Hey my lovely foodies, I'm Ruchi Jain. Welcome back to our channel, The Sibling Kitchen. Friends, happy Navratri to you all. Today again I came up with a very interesting recipe जिसे आप फास्ट में भी खा सकते हैं, व्रत में भी बना के खा सकते हैं. That is the fruit cream. It is a Indian sweet dessert. और ये बहुत ही fully overloaded होती है fruits के साथ. This is very nutritious also, especially for the kids. उनको बहुत ही favorite होने वाली है. So without further ado, let's get moved towards the recipe. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बनाना नवरात्र स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी एंड डिलीशियस इंडियन डेजर्ट दैट इज़ द फ्रूट क्रीम. दिस इज़ सो क्रीमी एंड सो डिलेक्टेबल इन टेस्ट कि आप अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे खाएंगे इन द फास्ट ऑल्सो. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमने ली है फ्रेंड्स सबसे पहले ये अमूल फ्रेश क्रीम 1 kg वाला पैकेट है, इसमें हम 500 grams तक यूज़ करेंगे. उसके बाद ये मिल्क मेड मैंने लिया है टू गिव द थिकनिंग, और मैंने कट करे हैं थोड़े से ऑलमंड्स. देन मैंने लिए हैं रेजिन्स, कैश्यूज, सारे ड्राई फ्रूट्स आप वॉलनट्स भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं. देन मैंने लिए है इलायची, 10-15 इलायची को मैंने पीस लिया है. ये लिए है केसर, दूध में भिगो के मैंने इस तरह से भिगोया है. कुछ पिस्ता कटा हुआ. देन फ्रूट्स में मैंने लिए हैं इसमें एकदम कैंड वाले पाइनएप्पल्स आते हैं मार्केट में, बहुत स्वीट होते हैं, तो इसका मैंने ले लिया है. प्रोमोग्रेनेट्स लिया है हाफ कप. हाफ कप मैंने लिया है बनाना. देन हाफ कप लिए है मैंने एप्पल, सबको चॉप कर लिया है. और ये लिए है मैंने हाफ कप पाउडर्ड शुगर. आप जो भी फ्रूट्स लेना चाहें, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, जो भी आपको पास अवेलेबल हो आप सब ले सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे इसमें फ्रेश क्रीम. इसे हमने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, थिक थिक ही लेनी है क्योंकि हमें इसे बहुत ही क्रीमी और थिक फ्रूट क्रीम बनानी है. तो इस तरीके से हम इसे ले लेंगे और इसे व्हिप करेंगे सबसे पहले. उसके बाद हम इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे. तो अगर आपके पास नॉर्मल विस्कर हो, बीटर हो, तो उससे कर लीजिए, वरना जो बीटर अवेलेबल होता है उससे आप इसे अच्छे से बीट करें. तो ये देखिए 5 मिनट तक इसे लगातार हम बीट करेंगे, इससे ये क्रीम बहुत ही थिक हो जाएगी. अब एक बार बीट करने के बाद 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम इसे अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क मेड. मिल्क मेड डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी थिकनिंग आती है एंड द फ्लेवर विल गोज डबल ऑफ दिस फ्रूट क्रीम. बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा. तो ये हम इसमें ऐड करेंगे. फ्रेंड्स बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी सा इंडियन डेजर्ट बनके रेडी होता है. किसी भी ओकेजन पे आप इसे बना सकते हैं. ये देखिए कितनी थिकनिंग अभी से ही आ गई. अब हम इसे दोबारा से विस्क करेंगे एक बार. 5 से 8 मिनट तक आप इसे विस्क करेंगे जब तक कि ये बहुत ही पीक पे नहीं आ जाती है. थोड़ी सी बहुत थिक हो जानी चाहिए ये. इस तरीके से 5 से 10 मिनट और विस्क करेंगे हम इसे. तो ये देखिए कितनी थिकनिंग हो गई है इसके अंदर. इस तरीके से हम इसे थिक कर लेना है. Now we will add a bundle of dry fruits into it to make it so more healthy. अब सबसे पहले हम इसके अंदर केसर मिलाएंगे. तो ये मैंने 2-3 चम्मच केसर की डाली है. दूध में भिगो दिया था मैंने इसे, फिर इसे ऐड किया है. इसे कलर भी अच्छा आएगा. और ये 10 इलायची है इसे क्रश कर रहा था. इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मिठाई में. अगर इलायची का फ्लेवर ना हो तो मिठाई कैसी. एंड ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, पिस्ता, साथ में हमने ऐड किया है काजू, बादाम, और ये है रेजिन्स, किशमिश, थोड़े से सारे ड्राई फ्रूट्स आप थोड़े थोड़े रख लीजिएगा गार्निशिंग के लिए. एंड चॉप्ड पिस्तास ये भी थोड़े से मैं रख लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए. इस तरीके से अब सारे ड्राई फ्रूट्स हम मिक्स कर लेते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इलायची की इसमें से. फ्रेंड्स फ्रूट्स आप जब भी ऐड करें, जब आप खाएँ वरना पतली हो जाएगी. इसके अंदर सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे. चलिए फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं. जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हों वो सारे आप ऐड कर दीजिए. तो मैंने लिए हाफ कप प्रोमोग्रेनेट, हाफ कप कैंड पाइनएप्पल्स. बहुत ही इंस्टेंटली बन के रेडी हो जाती है फ्रेंड्स ये डेजर्ट. फिर हमने ऐड करें इसमें एप्पल्स और ऐड करें बनानास. आपके पास ग्रेप्स अवेलेबल हो, चेरीज हो, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं. फ्रूट्स डालने से ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी फ्रेंड्स. बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें हमारी फ्रूट क्रीम में चाहिए. ऊपर से थोड़ा सा और केसर डालेंगे टू गिव इट अ गुड कलर. अभी तक आपने मेरे फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपको अगर, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें. तो चलिए अब मैंने इसे प्लेट पे ले लिया है, इसे सर्व करते हैं. ऊपर थोड़ा सा केसर लगाएंगे, आप इस तरह से ऐसे डाल भी सकते हैं. फ्रूट्स भी हमने थोड़े से लगाए हैं, थोड़े से काजू और पिस्ता ऊपर से लगाएंगे और इसे डेकोरेट करेंगे. थोड़े थोड़े फ्रूट्स ऊपर से और डाल दीजिए टू मेक इट मोर एनहेंस. तो एकदम चिल्ड, बहुत ज़्यादा से चिल चिल सर्व करना है. फ्रिज में रखेंगे इसे फ्रिज के अंदर 20 मिनट तक. ये देखिए कितनी क्रीमी सी आ रहा है ना मुँह में पानी से देख कर. फ्रूट क्रीम बन के एकदम रेडी है. नाव फ्रिज में रखें और इसे बिल्कुल सर्व करें चिल्ड. बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट क्रीम बनके रेडी है. बनी है ना कितनी यमी सी फ्रूट क्रीम जो कि बहुत इंस्टेंटली फिल ऑफ 5 मिनट
मिनट्स में बनके रेडी हो गई है. सो इफ यू लाइक द रेसिपी प्लीज डू गिव द थम्स अप टू द रेसिपी एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी हैव अ पेज ऑन फेसबुक ऑल्सो एज द नेम फॉर द सिद्धिक किचन. तो डू लाइक दैट पेज ऑल्सो एंड प्लीज शेयर द रेसिपी अलॉट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन फॉर मोर सच इनोवेटिव एंड वंडरफुल रेसिपीज.